हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी हो रहे हैं 8:30 अराउंड कुछ। कम नहीं है? कम लग रही है, और मिलाऊं क्या फिर? तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं कॉफी की तैयारी। आज वो मस्त वाली ठीक लगेगी। दो कप के साथ दूध ज्यादा है ना, तो भी दूध ले रहे थे तो दो चम्मच डाली होगी, कितनी डाली? हाँ, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कॉफी की तैयारी। पहले हम लोग दूध लेने वाले थे, फिर हमने सोचा नहीं यार कॉफी लेते हैं। तो जो है वो फेंटी हुई कॉफी बना रहे हैं और उसमें लग रहा है हम पिछले 15-20 मिनट से। एक फेंटता है फिर हाथ दर्द कर जाता है, दूसरा फेंटता है फिर हाथ दर्द कर जाता है। तो अभी मनीष का टर्न है, मनीष फेंट रहे हैं। और जो है अभी हम लेंगे कॉफ़ी। साइड बाय साइड में कर रही हूँ लंच की तैयारी। लौकी बनेगी आज, मम्मी का फास्ट है तो हम दोनों खाने वाले हैं लौकी। और जो है बेबी है अभी एज यूजुअल दादी के पास, ज़्यादातर वो दादी के पास ही रहते हैं, मैं काम में बिजी रहती हूँ। तो हम लोग जाने वाले हैं आज मंदिर। एक्चुअली आज जो है आई डोंट नो आपकी तरफ होता है या नहीं होता है, बट हमारे राजस्थान में जो है सप्तमी होता है। तो हम जो ये है स्पेशल सप्तमी है, आई डोंट नो कैसी वाली सप्तमी है, लेकिन हाँ हम इसको माई सत्य बोलते हैं एक्चुअली ना। तो हम लोग जो हैं इस दिन जो है भैरू जी, जो भी आपके घर के, जैसे आप लोगों ने हमारी वो ट्रिप देखी हो जिसमें हम नित्या को लेके गए थे दुकाने घर की साइड, तो वैसे ही सबके जो है घर के अपने अपने भैरू जी होते हैं, तो वो उनके यहाँ जाते हैं। अब हम लोग वहाँ नहीं जा सकते तो हम लोग जो है मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में माता जी वाला मंदिर है बहुत बड़ा यहाँ पे, तो माता जी के साथ में भैरू जी होते हैं। शीतला माता जी का मंदिर है तो उनके पास में भैरू जी होते ही हैं, तो फिर हम लोग वहाँ ढोक लगा के आ जाएंगे। वैसे ही दर्शन तो हो जाएंगे एटलीस्ट ना। तो हम लोग बस अभी नहा धो के थोड़ी देर में वहाँ निकलेंगे। सो हियर वी आर एंजॉयिंग आवर कॉफी। और मेरा मग देखो, ये मंगाया था मनीष ने, माँ और इनका है डैड। तो यहाँ हम लोग एंजॉय कर अपनी कॉफ़ी। एक्चुअली बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे थे कि ना, मतलब मैं स्पेशली मनीष को कह रही थी, मैंने कहा ना चाय में वैसा मज़ा आता है, ना चाय के साथ कुछ भी खाने का मज़ा आता है, जैसे 12 मेरे मायके में ऐसे आता था। मतलब सब लोग पीते हैं, सब लोग खाते थे चाय के साथ कुछ भी, टोस्ट बिस्किट वगैरह, तो उसका मतलब एक साथ अलग ही होता है ना। और यहाँ सिर्फ मैं पीती हूँ तो मुझे उतना इच्छा ही नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है रखी रखी चीज़ ना फिक जाती है। अभी बस हम लोग इन्जॉय करते हैं अपनी कॉफ़ी एंड देन नहा के विल गो आउट और देखते हैं नित्या को भी। एक्चुअली ना बात ऐसी है कि आज जो मैंने बताया माई सत्य तो है ही सही, सप्तमी तो है ही सही, प्लस ना जो है नित्या कि भी, आपको आपने मेरा गोद भराए का व्लॉग देखा हो पार्ट वन, तो उसमें हम लोग गए थे शीतला माता। तो वहाँ पे ऐसे होता है ना एज ए ब्लेसिंग कि हाँ सबको सही होना चाहिए, तो फिर मैंने बोला था कि हाँ नित्या को भी मैं ढोक लगवाने लेके आऊँगी। तो हम लोग इस वजह से भी जा रहे हैं कि चलो आज दर्शन भी हो जाएंगे प्लस बेबी को ढोक भी लगवा देंगे। तो चलो अभी मैं बस कॉफ़ी फिनिश करती हूँ एंड देन मिलते हैं हम मे बी डायरेक्ट बाहर जाके। तो वी आर ऑल रेडी टू गो। 12 बज गए फिर भी, इधर बेटू रेडी करके बस लिटा रखा है इसको, बस निकलने वाले हैं। मैं पहनने वाली हूँ स्वेटर। एक्चुअली आज जो है ढोक दे के प्रणाम करके चारों दिशाओं में जो भी घर के आपके देवी देवता होते हैं उनके ढोक दे लो, फिर हम घर से निकल रहे हैं। अब वो काम किया, ये देखो इसको बातें करनी है, बोलो बोलो। कैमरा देखते ही चुप। तो चलो अभी हम निकलते हैं, सबसे पहले जाएंगे शीतला माता मंदिर एंड देन आई विल शेयर आगे का प्लान क्या होता है। एंड चलो एक्चुअली पास में ही है तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं, पहले मुझे छोड़ के आ जाएंगे देन फिर मम्मी जी को लेके चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और मनीष हमें छोड़ के अभी जस्ट गए हैं, अभी उतार दिया एंड मनीष आ जाए उसी के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अभी देखो बेटू को सब कुछ नया नया दिख रहा है और ये चारों तरफ ऐसे देख रहा था ना बाइक पे। तो मैं जो है वो आते हैं तब तक पूजा वगैरह ले लेती हूँ एंड देन विल गो इनसाइड। मम्मी तो पहली बार आ रही हैं यहाँ पे और हम लोग तो पहले आ चुके हैं। वो अभी जो है क्राउड देख के, आसपास के लोग देख के तो ऐसा लग रहा है यार बहुत क्राउड है यहाँ पे। अभी वी आर इन पार्किंग। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर की साइड, देखते हैं पूजा वगैरह ले लेते हैं एंड देन मेन गेट पे मिलने को कहा है उन्होंने, तो मेन गेट पे ही चलते हैं अभी। तो ये देखो क्राउड है और यहीं से ही जो है स्टॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है इनकी।
ये देखो पूरा ऐसे माता जी का मंदिर बना रखा है। शीतला माता गुड़गांव की बहुत ही ऐसा ना मानने वाली माता है, बहुत दूर दूर से आते हैं नवरात्रा में, तो बहुत बड़ा मेला टाइप लगता है यहाँ पे। देखो पूरा ऐसे चुंदड़ चुंदड़, और ये इस तरीके से पूरी स्टॉल्स वगैरह है। बाकी आज क्राउड मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और चलो पिछली बार आए थे तो हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे तो इतनी क्राउड नहीं मिली, और शायद आज वो जो मैं सप्तमी बता रही थी उसकी वजह से इतनी क्राउड है। ये देख लो बाहर शॉप्स पे इतनी क्राउड है, तो मंदिर में जाने में तो हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ देखो ये सब है, बाकी ये रहा मेन मंदिर। उधर आगे की साइड पार्किंग है, तो वहाँ से इधर आने का रास्ता ऐसे ऊपर पुलिया के थ्रू बना रखा है। बाकी ये है यहाँ का मेन मंदिर। अभी पूजा वगैरह ले लेते हैं, बहुत लंबा फैला हुआ है, बहुत दूर तक है, हम लोग इसी गेट से जाने वाले हैं। इसका हम लोग आ गए वापस पार्किंग में, यहीं पे वेट करते हैं। और पूजा वगैरह मैंने सोचा यार मनीष आएंगे तभी ले लेंगे, एकदम से मेरे को नहीं बैठ रहा है कि ना बच्चे के साथ भीड़ भाड़ में थोड़ा ना। तो यहाँ ले ली हमने पूजा वगैरह, ले रही मनीष के पास पूजा, इसकी दादी भी आ गई है, तो चलो चलते हैं अंदर। ये है मेन मंदिर, यहीं पे लगानी है जोत। पहले ये सब ये चादर लगा दिए ना, जो उधर उधर पीछे होके रास्ता था। हाँ दर्शन हो गए हमारे, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। अभी बहुत आज बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पर हाँ भीड़ है एज यूजुअल। जैसे पिछली बार आए थे तब तो कुछ भीड़ नहीं थी, बस गए अंदर और निकल आए। तो चलो जी चलते हैं घर पे वापस। गाइस वी आर बैक एट होम, आ गए हैं हम लोग। तो हम लोग लंच कर रहे हैं, आते ही क्योंकि ऑलरेडी जो है डेढ़ के आसपास हो गया है, तो बस लंच कर लेते हैं, साथ में इश्क मूवी जो पुरानी वाली वो एंजॉय कर रहे हैं। लंच में है लौकी की सब्जी एंड रोटी, साथ में मूवी, साथ में पतिदेव। तो लंच हो गया, अभी बेबी है दादी के पास, मोस्टली दादी के पास ही रहता है वो दिन में। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा पूरा दिन में भी नहीं। लंच कर लिया अब बस, वैसे ना हम लोग प्लान कर रहे थे एक्चुअली, सुबह प्लान हो गया था कि चलो जल्दी निमट गए, तो मनीष बोले कि आज छतरपुर भी चल लेते हैं, क्योंकि हमें जाना ही था, बच्चे को ढुकाना था। बट फिर जो है अब अभी गाड़ी नहीं है अपनी, तो ऐसा लगता है यार कैब करो फिर जाओ फिर आओ, तो एक्सपेंस भी हो जाता है। बात का प्लान करेंगे, आज का हमने कैंसिल कर दिया। बाकी जो है अब बस रेस्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, ये आपने नहीं देखी है पहले, मैं दिखाऊंगी अगर फुल लुक लिया और अगर इंस्टाग्राम पे मेरा मन कर गया रील्स बनाने का, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आजकल थोड़ा ऐसे ही मूड चल रहा है अभी ना, बेबी के साथ में भी ऐसा आलस आलस सा टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो लगता है कि यार अपना रेस्ट कर लो, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे रखा है अभी। यार कितना बुरा सा लग रहा है पिंपल, बट वाइट वाला है तो निकल जाएगा एक आध दिन में ना। तो चलो जी अभी ये रेस्ट करने जा रही हूँ मैं। इधर देखो, मतलब खेल उधर रही थी और ध्यान इधर है इसका। हाय बोल दे बेटा, हाय हाय गाइस। ओ ओ उठेगा ये तो भैया,
हाथ लगते जरूर होता है कि स्टॉल लगाना है। हाँ, इसको हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है। Simon Kitchen, it's almost 4:30 around कुछ और मैं बना रही हूँ खाना, डिनर की तैयारी हो रही है। एक्चुअली आज जो है मदर इन लॉ का फास्ट है, आज जो सप्तमी बोला था मैंने तो सप्तमी है तो उसका फास्ट है मदर इन लॉ का, तो मैं जल्दी डिनर बनाने लगी हूँ। मैं जो है बना रही हूँ आज छोले और पूरी, हो सकता है पूरी बना लूँ, प्लस सोच रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी बना लेती हूँ अगर ये लोग खाते हैं तो। पहले सोच, पहले पूछ लेती हूँ इन लोगों से क्या होगा। अच्छा, कुछ चाहिए आपको? तो मैं बनाने जा रही हूँ, छोले ऑलरेडी उबल चुके हैं, सारा मसाले की तैयारी हो गई है, आटा भी लग गया, बस पकौड़ी का बैटर बनाना बाकी है। साथ में आई एम एंजॉइंग दैट बिग बॉस हियर बिकॉज इस बार मैंने मिस कर दिया बिकॉज ऑफ नित्या, डिलीवरी हुई थी तो उसी वीक में डिलीवरी हुई थी जब ये स्टार्ट हुआ था, तो दैट्स वाई आई एम एंजॉइंग इट और बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट सारी, बस निकालना बाकी है। ये है हमारे छोले की सब्जी, ऑयल है ऑलरेडी, पकौड़ी का बैटर बना के रखा है मैंने, ये गुलगुले पुए जो बनते हैं और पुड़िया इज ऑलरेडी। तो यहाँ मदर इन लॉ के लिए खाना तो बन चुका है, मैं और मनीष लेट खाएंगे तो उनके लिए मैं लेट ही बनाऊंगी, हम दोनों के लिए ही ऑफकोर्स, और हम दोनों पूरी नहीं खाने वाले, रोटी खाएंगे, रोटी और सब्जी। तो चलो जी, थोड़ा गैप लेते हैं, मैं पीने वाली हूँ अब चाय। Later that same तो अभी मैं बना रही हूँ हमारे लिए रोटी, और मैं और मनीष रोटी खा रहे हैं, थोड़ा ऑयल अवॉइड कर रहे हैं बट स्टिल थोड़ी पकौड़ी तो मैंने खा ही ली है। बातें नहीं कर रहा था कोई? अभी हो रहा है 8:45 अराउंड को, सारे काम फिनिश करके जस्ट बर्तन वगैरह साफ करे हैं, खाना खा लिया हमने, डिनर हो गया और अब आई हूँ मैं अपने रूम में। ये बेटू खेल रहा था उधर, जैसे ही पता चला अच्छा मम्मा फ्री हो गई है तो मैं रोने लग जाता हूँ, ये रोने लग गया फिर। तो अभी सबका डिनर हो गया है, अब बस ये इसको थोड़ा सा फीड करवा के एंड देन ये दादी के साथ खेलेगी एंड मनीषन, हम मनीषन भी बात कर रहे हैं, मनीष एंड मी हम दोनों जो है वॉक पे जाएंगे। तो मैंने मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट वॉक तीनों स्टार्ट कर दी है। ओगो मॉर्निंग में भी ऑलमोस्ट 9:30 तक सोती है तो फिर इस वजह से हो जाता है मेरा ना। तो जो है सारा काम हो गया है तो अब हम जा रहे हैं इस व्लॉग को एंड करने। तो ऐसा था आज का हमारा दिन, ऐसे स्पेंड किया हमने आज का दिन, आपको कैसा लगा जरूर बताना अपने कमेंट्स में। और शैतान की मस्ती शुरू हो चुकी है और कल ये बेबी 4 मंथ्स का हो जाएगा। आहा, पता नहीं कैसे दिन बीत गए। अब तो बात करने लगा है भैया, मम्मो को डांटने लगा है, ऐसे ऐसे खींचता है ये, ऐसे ऐसे करता है ये, हाउ और इसको बिठाओ तो खड़े होने की करता है, खड़े रखो तो बैठने, लेटाओ तो खड़े होने की करता है, बिठाने की करता है, मतलब ये लेट है। अब देख मम्मा के सारे बाल 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 मत तोड़ यार, वैसे ही हेयर फॉल इतना होता है मेरा बेतू, ये बेटा बाल ले। मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, बाय बाय।